Yes, good morning, students. Please raise your hands if my audio video is clear. Okay, देखिए अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसको देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम placed at 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर. तो इसमें क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा गया है कि दो चार्जेस हैं, टू चार्ज स्फीयर्स हैं, दो स्फीयर है, दोनों चार्ज हैं, और इस पर कितना चार्ज है 2 × 10⁻⁶ कूलम का, और दूसरा जो स्फीयर है उस पर कितना चार्ज है 10⁻⁷ है, 10⁻⁷, एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम. सो दिस इज द चार्ज ऑन द स्फीयर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज 30 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस इज गिवन 30 सेंटीमीटर. ओके, और आपसे पूछा गया है कि ये दोनों कितने फोर्स से एक दूसरे को क्या करने वाले, रिपेल करने वाले, कितना फोर्स ही एक्सपीरियंस करेंगे. तो बेसिकली इसमें कूलम्स लॉ अप्लाई करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना. ओके, सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स. क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्स लॉ का, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K की वैल्यू होते 9 × 10⁻⁹. फर्स्ट चार्ज क्या है 2 × 10⁻⁷, और सेकेंड चार्ज है 3 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 30 × 10⁻², और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है डिस्टेंस का. सॉल्व करते हैं इसको. देखिए सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करते हैं, नंबर्स को एक साथ लिख देते हैं, 9 × 2 × 3. पावर कितनी हो जाएंगी, −7 −7, −14 और +9, −14 और +9, दिस विल बी 10⁻⁵. 10⁻⁵ डिवाइड में देखिए क्या रह जाएगा, 30 का स्क्वायर करोगे सो दिस विल बी 30 × 30 डिवाइड बाय 10⁻⁴. इसका स्क्वायर कर दिया 30 × 30 × 10⁻⁴. ये −4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁶ रह जाएगा, और इनको सोल्व कर लेते हैं. ये कैंसिल करोगे 10 आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 3 से, देन दिस विल बी अगेन 10. सो फोर्स इज 3 × 2, दिस विल बी 6, और डिवाइड बाय 10 × 10 है. यहाँ पर 10⁻⁶ है, डिवाइड में 10 × 10 है, इसको भी आप स्टेयर्स में ले आएंगे, सो दिस विल बी 6 × 10⁻³. ये 10⁻² है, अब स्टेयर्स में जाएगा तो −2 और प्लस, −1 और −2, ये कितना हो जाएगा, −3 हो जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर, 6 × 10⁻³. नहीं होता. तो ये था पहला क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है. सेकेंड क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन है, दो चार्जेस के बीच में कितना है, आपको डिस्टेंस पता नहीं है. फॉर्मूला यही काम करेगा, उसमें फोर्स गिवन है, चार्ज गिवन है, और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. तो कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज −0.8 माइक्रो कूलम. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है, इसको डायग्राम से बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं. दो स्फीयर दे रखे हैं फिर से, और दोनों स्फीयर के ऊपर चार्जेस बता रखे हैं, एक के ऊपर बता रखा है 0.4 माइक्रो कूलम.
माइक्रो 10^-6 और दूसरे पे दे रखा है -0.8 × 10^-6 कूलम। दोनों माइक्रो कूलम है, माइक्रो का मतलब 10^-6 और दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहे हैं 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का फोर्स काम कर रहे हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, सो वी हैव टू कैलकुलेट आर। और ये दोनों कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखो एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 0.2 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला बना लेते हैं आर का, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, फोर्स डिवाइड में आ जाएगा, सो द फॉर्मूला विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई फोर्स। वैल्यूज पुट करो, अंडर रूट कर देंगे लास्ट में हम लोग। के 9 × 10^9 फर्स्ट चार्ज इज ऑफ 0.4 × 10^-6 सेकेंड चार्ज 0.8। सिर्फ फोर्स बताना है इसमें, तो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, प्लस माइनस लिखेंगे तो उसमें डिस्टेंस प्लस या माइनस में नहीं आएगी। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिर्फ क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को पुट करेंगे, प्लस माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे। 10^-6 ये दोनों चार्जेस हैं और ये दोनों कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 0.2 न्यूटन का ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 0.2 से 0.4 कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे रह गया 9 × 0.8 और 2, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 × 10^ ये 9 है, −6 −6 −12 तो −12 है और +9 है तो माइनस का 3 आएगा, सो दिस विल बी 10^-3। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अंडर रूट भी करना है, तो इसके लिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। देखो 9 × ये 1.6 को मैं लिख देता हूँ 16 और यहाँ पर पॉइंट को देखो राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ तो पावर एक क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट किया, पावर को एक कम करना है तो कम करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब हम इसका अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 9 × 16 × 10^-4 ये तीनों अंडर रूट से बाहर आ सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, आर इज इक्वल टू 3 × 4 × 10^-3 × 4 is 12 × 10^-। ये मीटर में आएगा, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो -2 है ना, पॉइंट 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो इसको 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं, 0.12 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आएगी इन दोनों चार्जेस के बीच की वो कितनी आएगी, 0.12 मीटर की डिस्टेंस आएगी। इस समय पर ये दोनों 0.2 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा इस क्वेश्चन का एक पार्ट और दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ये कह रहा है कि दूसरा स्फीयर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दूसरा स्फीयर कितना, तो आंसर है सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था ना, कूलम्स लॉ को प्रूफ किया था हमने, जिसमें एक्शन रिएक्शन लॉ को प्रूफ किया था, वेक्टर फॉर्म में लिखते थे। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख करके हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा। और ये एक्शन रिएक्शन लॉ को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करेंगे, ओबे करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे कि सेकेंड स्फीयर फर्स्ट स्फीयर के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आंसर है सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0.2 न्यूटन का। ओके ये सेकेंड क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नोट्स में लिखा हुआ है इसके बारे में। टेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जब हमने कूलम्स लॉ स्टडी किया था उसके जस्ट खत्म होते ही सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया था कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना
ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, और दोनों का कंपैरिजन भी किया था हमने, तो उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी यूनिट्स पुट कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगी सारी यूनिट्स। चेक दैट के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। सबसे पहले तो ये चेक करना है इसे। अच्छा, ये रेशो कहां से आया? तो बेसिकली ये रेशो हमने डिस्कस किया ना, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि फर्स्ट चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन, दूसरा चार्ज क्या है प्रोटॉन, और इनके बीच की डिस्टेंस है आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या लिखा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में लिखा जाता है जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनका रेशियो बना देंगे, दोनों को डिवाइड में लिख देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को जब ऐसा लिखोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो बेसिकली ये किसका रेशियो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, ये जो यहाँ पर क्वांटिटी आपको दिख रही है। अब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो दोनों की यूनिट न्यूटन होगी, कैंसिल हो जाएगी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। एनीवेज हम इसके थ्रू प्रूफ कर देते हैं, ये जो इसने क्वेश्चन में दे रखा है इसके थ्रू भी प्रूफ किया जा सकता है। देखो क्या के का यूनिट पुट करेंगे, देखिए के की यूनिट क्या होगी, दिस विल बी कूलम स्क्वायर, एंड इसको आप यूनिट को इससे बना सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यह आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, फोर्स नीचे आ जाएगा, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा के को निकालना है, तो के को निकालना है तो आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्यू वन क्यू टू को डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे। सो के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर क्यू वन क्यू टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे इसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं के की। सो हेयर आई विल राइट के ई स्क्वायर जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू के की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। चार्ज का स्क्वायर लिखा हुआ है, ई स्क्वायर लिखा हुआ है, कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय जी, जी की यूनिट कैसे बनाओगे, इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये r स्क्वायर इधर आ जाएगा और m1 m2 डिवाइड में आ जाएगा, तो अल्टीमेटली करना क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट आएगी जी की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन दोनों ही किलोग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है किलोग्राम माइनस टू किलोग्राम की पावर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे, वन आए वन आएगा। तो इसका मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सो इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि लुक एट द टेबल ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू भी निकालनी है, ये वैल्यू हमने उस क्वेश्चन में कैलकुलेट की हुई है, 2.29 इंटू 10 टू द पावर 39, ये आंसर आया था उस क्वेश्चन के अंदर, तो वैल्यू भी निकाल देते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं के ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू पावर 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय जी, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, 2.9 इंटू 10 टू पावर 39, तो इसको इवैल्यूएट करोगे तो ये आंसर आएगा। और ये रेशियो क्या बताता है, और लास्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रेशियो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, जो किसके बीच में काम कर रहा है,
एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा गया था, सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये प्रोटॉन है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो इनके बीच का आपसे फोर्स पूछा जा रहा है, कौन कौन सा फोर्स? तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में रेशियो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो दिस इज द थर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा था ये डायमेंशनलेस है, वो हमने चेक करके बता दिया डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दूसरा पूछा गया था कि इस वैल्यू बताइए, सारे कॉन्स्टेंट को पुट करके ये वैल्यू आएगी, और फिर पूछा जा रहा है कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। तो हम बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो बेसिकली क्वांटाइजेशन के रूल को लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी भी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है तो मतलब आपसे क्वांटाइजेशन का रूल पूछा जा रहा है। तो उसमें लिख देंगे कि द चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, मतलब कि जो चार्ज है वो हमेशा नंबर्स के अंदर इंटीग्रल नंबर में होल नंबर में ट्रांसफर होगा। तो क्वांटाइजेशन का रूल लिखना है इस फोर्थ क्वेश्चन में। इसके बाद पूछा जा रहा है Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic or large scale charges? ये कह रहे कि हम quantization को ignore क्यों कर देते हैं macroscopic level पे। देखो macroscopic level का मतलब क्या है, macroscopic level का मतलब है कि आपके पास एक body given है, जैसे कि हम लोग Gauss law में study कर रहे थे, एक line charge है या एक cuboid है या एक spherical surface है, तो ये पूरी body है, अंदर से पूरी solid है और इसमें सब जगह पर हमने क्या भर रखा है, सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी के कारण ये बॉडी पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो काफी लार्ज होता है, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर 1 कूलम का चार्ज भर रखे, अगर इसमें 1 कूलम का चार्ज फिल कर रखे तो मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। तो इतने इलेक्ट्रॉन अब ना तो ये दिखेंगे और ना हम इनको बैठ करके काउंट कर सकते हैं कि इतने ही निकाले के इलेक्ट्रॉन हमने। तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसकी बजाय, ये नंबर बोलने की बजाय हम लोग क्या बोलना पसंद करते हैं कि इसमें कितना चार्ज है, इसमें 1 कूलम का चार्ज। तो उस समय पर हम क्वांटाइजेशन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जब हमारे आसपास जो भी बॉडीज प्रेजेंट है अगर वो चार्ज है, कोई स्फीयर लिया आपने मेटल का और उसको चार्ज कर दिया, तो वो जो चार्ज स्फीयर होगा उसके अंदर जितना भी चार्ज है हम उसको कूलॉम में लिखेंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, ऐसा नहीं बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काउंट करके नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इसके अंदर इतना चार्ज है। तो ये जो क्वांटाइजेशन है इसको क्या कर रहे हैं, हम इग्नोर कर, डायरेक्ट चार्ज की क्वांटिटी बताते हैं। तो ये इसका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ के दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ charges appear on both, a similar phenomena is observed with many other pairs of bodies, explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। ये कह रहा है कि एक ग्लास रॉड है उसको सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो दोनों बॉडीज के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आता है, तो दोनों बॉडीज के ऊपर क्या आता है, कुछ चार्ज आ जाता है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और क्वेश्चन में बोला गया ऐसे और भी बहुत सारे पेयर्स जिनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब करने से वो चार्ज हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ये जो चार्ज होने का फिनोमेना है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होता है क्या? तो आंसर है यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन क्रिएट और डिस्ट्रॉय थोड़ी हो रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस है वो सेम रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये प्रूफ करके बताना है आपको, या स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो। तो इसके स्टेटमेंट में हम यही लिखेंगे कि इफ वी रब अ बॉडी अगेंस्ट द अनदर बॉडी देन वन बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड बॉडी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण वो नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जैसे कि इसने ग्लास रॉड का दे रखा है, तो ग्लास रॉड को आप रब करोगे सिल्क क्लॉथ के साथ, तो उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये नेगेटिवली चार्ज होगी,
और इस फिनोमेना में क्या होगा, 1000 इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकल करके कहाँ चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे। लेकिन इस सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो जीरो ही रहेगा, नेट चार्ज जीरो रहेगा और टोटल चार्जेस जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, उनका नंबर नहीं बदलेगा। जैसे जैसे कि रब करने से पहले, रब करने से पहले ना इसके पास पॉजिटिव चार्ज था ना इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर इसके पास है 10,000 पॉजिटिव चार्ज, 10,000 नेगेटिव चार्ज, इसका नेट चार्ज जीरो है, ये अनचार्ज बॉडी है। इसी तरह से इसकी बात करते हैं, इसके पास 15,000 पॉजिटिव चार्ज है, 15,000 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नेट चार्ज भी क्या है, इसका नेट चार्ज भी जीरो है, ये चार्जेज है इसके पास। अब रब करने के बाद क्या होगा, रब करने के बाद यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें ट्रांसफर हो गए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया इसका सरफेस। ओके, इस केस में क्या होगा, आप देखिए इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, तो क्या लिखेंगे, प्लस 10,000 और 1000 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो माइनस 9,000 लिखेंगे, इसमें चार्ज आएगा प्लस 1,000 का, ये तो हुआ नेट चार्ज, नेट चार्ज पूछा ही नहीं जा रहा आपसे। और इसमें 15,000 पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 16,000 हो गए, पहले 15,000 थे, 1000 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो यहाँ का नेट चार्ज कितना हो गया, माइनस 1,000, फिर से ये नेट चार्ज आ गया। अब हम बात करते हैं टोटल चार्ज, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, रब करने से पहले और रब करने के बाद में, रब करने से पहले कितना है, 10,000 पॉजिटिव है, 10,000 नेगेटिव है, तो 20,000 इसके पास चार्जेस हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको नहीं देखेंगे, अब हम बोलेंगे कि टोटल चार्ज कितना है इसके पास, टोटल नेट चार्ज नहीं, टोटल चार्ज 10,000 और 10,000, 20,000 चार्जेस हैं इसके पास। इसी तरह से 15,000 इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, 15,000 नेगेटिव चार्ज है, टोटल इसके पास चार्जेस हैं 30,000, तो ये जो पूरा सिस्टम है इस पूरे सिस्टम में 50,000 चार्ज है। अब रब करने के बाद क्या होगा, रब करने के बाद इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी। अब टोटल चार्ज बताओ, 10,000 प्लस 9,000, इसमें 19,000 चार्जेस हैं, 15,000 प्लस 16,000, 31,000 चार्जेस हैं, ऐड कर दो इनको, 19,000 प्लस 31,000, अभी भी टोटल चार्जेस कितने, अभी भी टोटल चार्जेस 50,000 ही। तो रब करने से पहले भी पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज 50,000 था और रब करने के बाद भी पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज 50,000 है, तो चार्ज ना तो क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। देखिए सिक्स क्वेश्चन, आपको सेंटर में फोर्स कैलकुलेट करना है, एक स्क्वायर है, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर में फोर्स कैलकुलेट करना है, स्फीयर के कॉर्नर पे चार्जेस रखे गए हैं और वो कौन कौन से चार्जेस हैं वो मैं आपको बताता हूं। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन को लिखते हैं। इसमें एक स्क्वायर गिवन है आपको और इसके कॉर्नर्स पर चार्जेस रखे गए, कॉर्नर्स की नेमिंग की गई है ए बी सी डी, यहाँ पे चार्ज रखा गया 2 माइक्रो कूलम का, बी पर चार्ज रखा गया -5 माइक्रो कूलम, इस पे चार्ज रखा गया और इस पे चार्ज रखा गया, इस पे चार्ज है फिर से 2 माइक्रो कूलम का, इस पे चार्ज है -5 माइक्रो कूलम, और सेंटर में आपको नेट फोर्स बताना है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पड़ा होगा तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है सेंटर में, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, देखो इसको सॉल्व करने की ऐसा पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों नहीं पड़ेगी, देखिए सबसे पहले ये जो 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये अगर ए साइड है इनकी तो यहां से इसकी डिस्टेंस होगी √2/2, तो ये जो डिस्टेंस है ये सब चार्जेस के लिए सेम है। अगर आपको सेंटर में नेट चार्ज निकालना है 1 माइक्रो कूलम के चार्ज पर आपको नेट फोर्स निकालना है, तो इस केस में ये 2 माइक्रो कूलम इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा है सेंटर में, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये आएगा फोर्स एफ ए, ये 2 माइक्रो कूलम इसको नीचे की डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस पर, एंड दिस इज एफ सी,
फोर्स ड्यू टू ए एंड फोर्स ड्यू टू सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा वो कैसे बता सकते हैं आप, एफ इज इक्वल टू एफ सी बताओगे और इसमें लिखोगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, फर्स्ट चार्ज कितने 2 माइक्रो कूलम का, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और यहां पर सेंटर में कितना चार्ज पड़ा है, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है यहाँ पे, 1 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, आंसर है ए रूट टू, ये पूरा जो डायगोनल होता है इसको ए रूट टू लिखते हैं, और डिवाइड बाई टू हाफ कर देंगे इसका, हाफ डिस्टेंसेज है तो इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यही कैलकुलेशन आएगी किसमें, जब आप फोर्स निकालोगे ड्यू टू ए, और यही आंसर आएगा जब आप फोर्स निकालोगे फोर्स ड्यू टू सी, बस इनकी डायरेक्शन अलग होंगी, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, यहाँ कहीं भी वेक्टर नहीं लगाया मैंने इस पे, तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से माइनस 5 माइक्रो कूलम, ये जो बी चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो दिस इज द फोर्स बी विच इज टूवर्ड द बी, और ये माइनस 5 माइक्रो कूलम का डी पॉइंट पर ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। फिर से आप फोर्स निकालोगे, फिर से एफ बी और एफ डी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया वही मैग्नीट्यूड आएगा, बस उसमें क्या करना है चेंज, यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम की जगह क्या लिख देना है, 5 माइक्रो कूलम लिख देना है, बाकी सारे जो वैल्यूज है वो सेम रहेंगे, तो ये फोर्स भी सेम आएंगे। इसमें भी हम बताएंगे कि एफ बी एंड एफ टी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, सो नेट फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स। अगर आप 1 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ रखेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, 0 फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द 6th क्वेश्चन, 0 फोर्स आएगा इसमें। 7th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। देखो इसमें ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, 7th क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस कर्व क्यों है, क्योंकि जब भी मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, देखो ये प्लस प्लेट है और इसके सामने ये माइनस प्लेट मैंने रख दी, और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम प्लस टू माइनस, ये कैसे डिसाइड की गई थी डायरेक्शन, तो आंसर है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख करके। तो मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ये ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो इसका मतलब ये हर समय यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और सीधा सामने की डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पहले फोर्स एक्सपीरियंस करता है फिर रुक जाता है, फिर इधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है फिर रुक जाता है, फिर इधर फोर्स फिर रुक जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उसके कारण ये कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो कर्व होते हैं ये कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ऐसा ब्रेक हो करके फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कंटिन्यूअस क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसीलिए जो फील्ड लाइन होंगी वो हमेशा क्या चलेंगी, कंटिन्यूअस कर्व होंगी और वो मूव क्या नहीं करेंगी, ब्रेक नहीं होंगी बीच बीच में। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये भी हम लोग बता सकते हैं कि क्रॉस नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं, तो इसको हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, मैंने आपको 8 या 10 प्रॉपर्टीज बताई थी इसकी, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर फील्ड लाइंस क्या करती, इंटरसेक्ट करती, अगर कोई फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, और अगर ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगी, ये टेंजेंट इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगी, तो एक टेस्ट चार्ज जब यहाँ रखा जाएगा तो इस पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर फोर्स की 2 डायरेक्शन होंगी, और जो भी फील्ड फोर्स होते हैं वो हमेशा कितने डायरेक्शन में काम करते हैं, फील्ड फोर्स हमेशा एक डायरेक्शन में काम करते हैं, तो यहाँ पर 2 टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट each other. क्या लिखेंगे, if two field line intersect each other then at the point of intersection there will be 2 directions of electric field,
then at the point of intersection there will be two direction of electric field which is given by the tangent drawn on the electric field lines. जो कैसे दिखाई जाएगी electric field line पर tangent draw कर. So which is not possible. It will show the two directions of electric field at the point of intersection and which is not possible. जो क्या नहीं है जो possible नहीं. Okay. तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे के questions को try कीजिए solve कीजिए. Question number 8, 9, 10. तो ये तीन चार क्वेश्चन को आप डिस्कस करना ट्राई करना फिर कल हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी. कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं तो उनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.